नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अरुण प्रभु देसाई और वन प्लस ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने धूम मचा दी है भारत में। क्यों मचाई है? क्योंकि उनके फोन्स जो होते हैं वो सस्ते ही नहीं लेकिन फ्लैगशिप लेवल के होते हैं, मतलब उनके रैम स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं और प्राइस जो होता है वो सैमसंग या एप्पल से आधे से भी कम होता है। इसलिए भारतीयों ने वन प्लस को बहुत भारी मात्रा में खरीदे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के पास वन प्लस है और हर साल उनका नया वर्जन आता है। पहले वन प्लस वन आया था, फिर वन प्लस टू, ये साल वन प्लस थ्री और थ्री टी, थ्री लास्ट ईयर आया था और थ्री टी अब लॉन्च हुआ है। और ये सब चारों जो फ़ोन हैं बहुत ही अच्छे फ़ोन हैं, बहुत ही अच्छा उनको रिस्पांस मिला है इंडियन से। मैं अभी जो अगला वर्जन है वन प्लस फाइव उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि वन प्लस फाइव क्यों और वन प्लस फोर क्यों नहीं। तो इसका जवाब है, चाइना में फोर ये जो नंबर होता है वो बहुत अशुभ होता है, इसलिए वन प्लस फोर डायरेक्टली स्किप कर दिया उन्होंने और वन प्लस फाइव लॉन्च करने वाले हैं जून यानी अगले महीने। चाइना का जो ट्विटर वर्जन है वाइबो, उधर सीईओ वन प्लस के जो सीईओ हैं पीटर लो, उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि ये जो फोन होगा वो बहुत बड़े सरप्राइजेस लेके आएगा। हर एक फ़ोन उनका जो है वन प्लस वन, वन प्लस टू, वन प्लस थ्री, ये बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आया हुआ है और वन प्लस फाइव का भी यही मानना है सब लोगों का कि बहुत सारे अच्छे नए फीचर्स, एकदम टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स ये लेके आएंगे। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लीक्स इंटरनेट पे, बहुत सारे लीक्स आए हुए हैं, उसके पिक्चर्स आए हुए हैं। तो हम इस वीडियो में आपको अभी बताएंगे कि क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वन प्लस फाइव के साथ। बढ़ते हैं डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन कैसे होगा वन प्लस फाइव का? ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। अगर आपने वन प्लस थ्री या थ्री टी लेटेस्ट जो वर्जन है वो देखा होगा तो वन प्लस फाइव के जो लीक्ड इमेजेस हैं उसके ऊपर से भी यही लगता है कि वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। उसका जो स्लैब, उसका जो शेप होगा वो सेम होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होगी पीछे उनको डुअल कैमरा सेटअप होगा। डुअल कैमरा अभी एकदम वोग में है, सब लोगों को अच्छा लगता है, तो डुअल कैमरा सेटअप होगा। कुछ लीक्ड इमेजेस हॉरिजॉन्टल दिखाते हैं, कुछ लीक्ड इमेजेस दो कैमरे पीछे वर्टिकल दिखाते हैं, लेकिन डुअल कैमरा सेटअप ज़रूर होगा वन प्लस फाइव में। बहुत सारे लोगों ने यह भी सवाल पूछा है कि 3.5 mm जैक होगा या वो एप्पल के जैसे लाइटनिंग पोर्ट जिधर से हम चार्ज करते हैं वैसे होगा। कुछ इसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं, हमने कोशिश की ढूंढने की लेकिन उसके बारे में कुछ भी लीक नहीं है। लेकिन मैं प्रे करता हूँ कि 3.5 mm जैक हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है वो सिंगल पोर्ट चार्जिंग का भी और देन वायरलेस हेडसेट यूज़ करके आपको यूज़ करना होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो 3.5 mm जैक इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो होना चाहिए। बताइए आपको क्या लगता है। तो चलिए अब जानते हैं कि फ़ोन के अंदर क्या होगा, उसका पावर किधर से आएगा। ये 100% कन्फर्म्ड है कि जो वन प्लस फाइव होगा उसमें 835 प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 होगा जो उनका लेटेस्ट वर्जन है, तो टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर ज़रूर होगा उसमें। वन प्लस फाइव में रैम कितना होगा? कोई बोलता है 6 GB जो वन प्लस थ्री टी में भी है और कोई बोल रहा है कि 8 GB रैम होगा। आप सोचिए 8 GB, मेरे हिसाब से जितना मुझे मालूम है उस हिसाब से 8 GB रैम वन प्लस फाइव में होगा, और अगर वो 8 GB होगा तो इट विल बी द फर्स्ट फोन टू हैव 8 GB ऑफ रैम। स्टोरेज कितना होगा? स्टोरेज होगा 64 GB मिनिमम होगा। आई डोंट थिंक 32 GB या 16 GB के वो लॉन्च करेंगे वन प्लस फाइव, मिनिमम अभी 64 GB हो गया है, तो 64 GB और 128 GB ऐसे दो स्टोरेज ऑप्शंस वन प्लस फाइव में होंगे। दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी मैंने कहा है कि दो कैमरे होंगे, डुअल कैमरा सेटअप होगा, लेकिन मेगापिक्सल कितना होगा? अब बहुत सारे लीक के अनुसार 23 MP कैमरा वन प्लस फाइव में होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 23 MP होगा, ये रूमर है, सभी ये बोल रहे हैं, तो 23 MP होना चाहिए रेयर कैमरा। फ्रंट कैमरा जो होगा वो 13-16 MP होगा ऐसे लोग कह रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि उतना ही 16 MP फ्रंट एंड 23 MP रेयर कैमरा सेटअप वन प्लस फाइव में होगा। बैटरी कितनी होगी वन प्लस फाइव में? वन प्लस थ्री और थ्री टी में 3400 mAh की बैटरी थी, वन प्लस फाइव में 3600 से 3800 mAh के बीच में बैटरी होगी, ऐसे रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। सो सबसे बड़ी चीज़, वन प्लस थ्री की का प्राइस कितना होगा, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से वन प्लस थ्री 27,999 का है, वन प्लस थ्री टी
29999 का है, मतलब 28,000 और 30,000 के ये फ़ोन्स हैं। वन प्लस फाइव जो होगा वो 32,000 से लेके 35,000 तक होगा। मेरे हिसाब से जो 64GB वर्जन होगा वो 32999 का होगा, और जो 128GB वर्जन होगा वो शायद 36999 या फिर 35999 का होगा। ये मेरे हिसाब से है, लेकिन इसी रेंज में होगे 1,000 इधर या उधर, तो वो प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वन प्लस फाइव में कुछ भी सवाल हैं आपके तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो हमें बताइए, हम वीडियो कैसे अच्छा कर सकते हैं। अगले वक्त तक के लिए।